बरेला पिंडो मरवाई में अचानक से मौसम का मिजाज बदला। आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई जगह बिजली के तार और पोल भी टूट गए। एक मिठाई दुकान के पास बंद पड़े कंटेनर पर एक पेड़ गिर गया तो वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा, छप्पर उड़ गए। दूसरी तरफ कुछ जगहों पर ओला गिरने की भी खबर मिली है। देखिए पिंडरा में मौसम का मिजाज अचानक से बदला है, सड़कों पर कई पेड़ टूटकर गिर गए। आंधी के साथ ही यहाँ पर झमाझम बारिश हुई, तेज़ आंधी भी आई और सड़कें हालांकि इस दौरान काफ़ी प्रभावित हुई हैं क्योंकि जो पेड़ हैं वो टूटकर सड़कों पर आ गिरे। लोगों को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिनके खुले में दुकान लगती है उनको काफ़ी दिक्कतें हुई, जिनके कच्चे मकान उनके कच्चे मकान टूट गए और ऐसी स्थितियाँ बनी जहाँ पर इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। पिंडरा की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। एक तस्वीर जहाँ पर तेज़ आंधी और बारिश के साथ ही ओले गिरने की भी बात आई है और दूसरी तरफ आप देखेंगे सड़कों के किस तरीके के हाल बने हुए हैं। अब जाहिर सी बात है किस तरीके की स्थिति होगी तो इसमें एक्सीडेंट की भी जो आशंकाएँ हैं वो बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी कोई दुर्घटना की जानकारी तो नहीं है लेकिन जिस तरीके के हालात बनते हुए नजर आए हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो पिंडरा में तेज आंधी और बारिश की जो संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की थी, यहां पर तेज बारिश हुई है, लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव पहुंचे जहां उन्होंने स्वर्गीय मणि नागेंद्र सिंह मोनू पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भतीजे और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल के पुत्र मोनू पटेल की स्मृति में चल रही श्रीमद भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश, तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल सहित अनेकों राजनेता, कार्यकर्ता और क्षेत्र के नागरिक मौके पर उपस्थित रहे। ग्वालियर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया की श्रद्धांजलि के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देश के कोने कोने से लोग राजमाता को नमन करने ग्वालियर आ रहे हैं। मेवाड़ राज परिवार की राजमाता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह अपने परिजनों के साथ ग्वालियर पहुंचे। जय विलास पहुंचकर लक्ष्य राज सिंह ने राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। लक्ष्य राज सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी और मेवाड़ राज परिवार करीब डेढ़ घंटे तक जय विलास के रानी महल में रहा और इस दौरान मेवाड़ राजवंश और सिंधिया परिवार के लोगों की बातचीत चलती रही। राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धा सुमन देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री सचिन यादव, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ग्वालियर पहुंचे जहां सभी कांग्रेस नेताओं ने रानी महल पहुंचकर राजमाता माधवी राजे सिंधिया को पुष्पांजलि अर्पित की। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।